वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट। मैं रवि जंगड़ा स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। तो आज हमारी जो क्लास होगी भाई अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल बताया था उसके हिसाब से हमारी जो आज क्लास है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आज का? सब्जेक्ट बच्चे क्या है आज का? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बात करूं इस सब्जेक्ट के अंदर क्या डिस्कशन करना है या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि बिज़नेस में जो भी मैसेज होता है वो किस तरह से कम्युनिकेट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एक अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर होगी, कैसे रिसीव करी जाएगी, उसके क्या मोड रहेंगे, क्या तरीके रहेंगे, वो सब हम डिस्कशन कहाँ करते हैं? बिज़नेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि बिज़नेस कम्युनिकेशन आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसके आपके अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है और बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर जल्दी इसका सिलेबस जो है वो कवर भी कर लेंगे, जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही सिलेबस हम कवर कर देंगे। ठीक है, और आज जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, इग्नू के लिए, यानी कि आप जो पेपर देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आने ही चाहिए, मस्ट हैं आपके लिए, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं हमारे सिलेबस का। बच्चे देखिए, तो अगर सब्जेक्ट कोड की बात करें तो BCOLA 138 बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। एंड ब्लॉक नंबर 1 आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1 आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें यूनिट नंबर 1 आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे सेंडर फीडबैक लेता है, रिसीवर कौन होता है, सेंडर कौन होता है, कौन कौन है जो कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कशन हमने करना है। देन पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों करा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है एक फर्म का। ठीक है, जो ओनर है कंपनी का उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो वो हमारा इसमें आता है। नंबर 2 जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें बेसिक कम्युनिकेशन के फीचर हम पढ़ेंगे, फिर उसको बिजनेस से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस में इसका क्या रोल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। एक अगर टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। मान लो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे सेम लेवल डिपार्टमेंट के मैनेजर, तो उसके बारे में यहाँ पर देखना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कैसे, कितने टाइप का होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टली कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारा इस चैप्टर के अंदर आएगा। देन आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें हम देखेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फैक्टर है जो इसमें आपके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेशन करा जाता है तो उसमें क्या समस्या आती हैं, उन समस्याओं को दूर कैसे करते हैं। ठीक है, पर्सनल बैरियर होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, कैसे कैसे बैरियर आते हैं, कैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 आपकी है चैनल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर आपको मीडियम सिखाए जाएंगे कि क्या मीडियम होता है। ठीक है, मान लो अगर हमें लेटर पोस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, वो एक क्या है, चैनल ही तो है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें
एक ही साथ बहुत सारे लोगों को कोई सूचना देनी है, कम्युनिकेट करना है, तो हम अपने न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं, टेलीविज़न पर ऐड देते हैं, तो वो क्या है, चैनल है ना। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर आएगा, चैनल ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। देन आपका ब्लॉक नंबर टू, आपका जो फर्स्ट था भाई, उसके अंदर तो सिर्फ आपका बेसिक है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग वगैरह, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, स्टेप्स, ये सब आएगा। ब्लॉक नंबर टू आपका क्या है बच्चे, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस क्या होती है, इसमें हम बिजनेस से रिलेटेड देखते हैं कि बिजनेस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हैं, इम्पोर्टेंट जो एनवलप होते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर आएगा। जैसे लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, एक कंपनी में अगर किसी को लीव लेनी है तो वो लीव लेने के लिए लेटर लिखता है अपने ऑफिसर को, है ना, तभी उसकी लीव को सेंशन किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो हम इसमें आता है भाई, कोरेस्पोंडेंस वगैरह चैप्टर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी इसमें आपका पोस्टल सर्विसेज वगैरह, फैक्स सर्विसेज, ठीक है, जो आपकी सर्विस मटेरियल होते हैं कम्युनिकेट करने के, कौन कौन से मीडियम हैं उनके बारे में देखेंगे। मीटिंग आपका कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए मीटिंग होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, है ना, AGM होता है, है ना, AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसमें हम देखते हैं कि कैसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कौन देगा, कब रिपोर्ट दिया जाएगा, इसके बारे में सारी डिस्कशन होती है, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर टू में बिजनेस के जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ना होता है। देन आपका ब्लॉक नंबर थर्ड है जिसमें रिपोर्ट राइटिंग आता है, कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट लिखने का प्रोसेस क्या है, कैसे रिपोर्ट का कंटेंट होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, परफॉर्मा क्या होता है, क्या क्या रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा, ठीक है। देन आपका वोकैबुलरी फॉर द बिजनेस राइटिंग, कैसे बिजनेस के टर्म हैं, बिजनेस में कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, कौन कौन सी वर्ड हैं जो बिजनेस के लिए ही यूज़ होते हैं, उनके बारे में, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, ठीक है, कौन से वर्ड हैं जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है बिजनेस के, कौन से मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, इन सब के बारे में हम बिजनेस राइटिंग वोकैबुलरी में देखेंगे, राइट। देन आपका लास्ट आपका है ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि ओरली कोई बात बताना, लिखित में ना होकर ओरल बताना, जैसे वॉइस मेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब आपको पता ही है वैसे तो, लेकिन इसको हमने अच्छे से पढ़ना है, डिस्कशन हम करेंगे पूरा, जब चैप्टर आपका आएगा ना उसमें अच्छे से डिस्कशन इसको हम करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे सिर्फ सिलेबस ही डिस्कशन करना था बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जैसे ब्लॉक नंबर वन में नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है बच्चे, ठीक है, और बिजनेस कोरेस्पोंडेंस पढ़ना है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, वोकैबुलरी वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन, ये सारे चैप्टर आपके होंगे, यूनिट वाइज हम इनको सारे को करेंगे कवर, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यूनिट नंबर वन डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम ले सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।